दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी डेमोक्रेसी हैं दोस्तों, जहां के मीडिया के एक हिस्से को, खासकर जिसको हम न्यूज चैनल या टीवी पुरम कह सकते हैं, उनके बड़े हिस्से को इस बात की पूरी आजादी है। एक तरह से बड़े ही आसान ढंग से, बड़े आराम ढंग से, बिना किसी नैतिक दबाव के, बिना किसी प्रोफेशनल सेल्फ रेगुलेशन के, वो जिसको चाहे उसके चेहरे पर काली पोत दें, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, प्रोफेशनल्स हों, सिनेमा के लोग हों, वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो छात्र हों, हमने JNU के बारे में देखा। ये वो देखते हैं कि सरकार ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी और उससे जुड़े हुए बहुत सारे संगठन अगर किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी इलाके को, किसी समूह को नापसंद करते हैं, तो ये चैनल सत्ताधारी दल से भी आगे बढ़कर उसके चेहरे पर कालिख पोतने में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है कि कालिख पोतने का, एक तरफ महिमामंडन करने का, भक्ति करने का, चरण वंदना करने का, और दूसरी तरफ चेहरों पर कालिख पोतने का, ऐसा लगता है कि यही इनको ठेका मिला हुआ है। यह कैसा प्रोफेशनलिज्म है, यह कैसा मीडिया है। दुनिया में हमसे बेहतर डेमोक्रेसीज भी हैं और हमसे बहुत बुरी भी हैं, लेकिन दुनिया में शायद ही इस तरह का बड़ा मुल्क हो जिसके मीडिया में इस तरह का धंधा चल रहा है बिना किसी रोक टोक के। और ठीक यही हुआ मुंबई को लेकर, बॉलीवुड को लेकर। हम हिंदी फिल्म जगत या बॉलीवुड, जो अभी आप कह लें, हम उसको कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं कह रहे हैं, हम उसको कोई दिव्य आत्मा नहीं कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनमें खोट नहीं है, उसमें कमी नहीं है, उसमें गड़बड़ियां नहीं है। बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं जब हमारे मीडिया में है, जब हमारे सियासतदानों में है, जब हमारे जुडिशरी में है, तो हम बॉलीवुड से ही शुद्धता और पवित्रता की अपेक्षा और उम्मीद क्यों करें और कैसे करें, और अगर करें भी तो उसके निष्पादन के, उसको हल करने के तरीके अलग हैं, क्रिटिसिज्म है। लेकिन हमारे टीवी चैनलों के बड़े हिस्से ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले के बाद, जिस तरह कुछ ही दिन के बाद कुछ एक्ट्रेस, कुछ एक्टर, कुछ डायरेक्टर, कथित डायरेक्टर, जिस तरह से टेलीविजन चैनलों पर झांव करने लगे और चीखू एंकरों की आवाज से भी ज्यादा तेज आवाज में बोलने लगे, एक ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे पूरा बॉलीवुड नशे में डूबा हुआ हो। ये फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक न होकर चरसी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, सिर्फ इन्हीं की जमात वो हो, उनके बारे में तरह तरह की कहानियां, उनके माफिया कनेक्शन, उनके न जाने कितने कनेक्शन गिराए गए, और जिस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज, जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया कई महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, वो आश्चर्यजनक है। अब दोस्तों, हम नहीं चाहते कि मीडिया के किसी भी हिस्से पर कोई केस की जाए, कोई मुकदमा किया जाए, किसी भी तरह की उनको रोकने की कोशिश की जाए, हम नहीं चाहते, हम अभिव्यक्ति की पूरी आजादी के पक्षधर हैं। लेकिन अभी बॉलीवुड की तरफ से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन सहित 38 संगठन प्रोड्यूसर्स के और डिफरेंट एसोसिएशन के, इसमें हर तरह के लोग हैं, अक्षय कुमार से लेकर के और अजय देवगन तक, सलमान खान से लेकर के आमिर खान तक, शाहरुख खान से लेकर के और आशुतोष गावरकर तक, और विनोद चोपड़ा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, यशराज फिल्म वगैरह, करण जौहर, तमाम तरह के लोग हैं। 38 एसोसिएशन और संगठनों प्रोड्यूसर्स ने फाइल किया है दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका कि इस तरह के चैनल, खासकर उन्होंने दो चैनलों का नाम लिया है, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक, उनके कुछ एक एडिटर्स का नाम लिया है, और उनको कहा है कि ये जिस तरह की चीजें कर रहे हैं,
जिस तरह से ये स्वयं न्यायालय बन गए हैं, जिस तरह ये स्वयं एक 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 ही तरह से चीजों को हांक रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए, इनको रोका जाए। तो ये जो महत्वपूर्ण इश्यू है दोस्तों, इस पर और तनिष्क का एक 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 हाल में एक विवाद आया है विज्ञापन का, हम इन पर बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं, इसके बाद हम उनसे बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज के इस एपिसोड के अपने मेहमानों से बातचीत करूं, उसके पहले मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूं कि इन लोगों ने क्या कहा है, यानी टाइम्स नाउ और रिपब्लिक। रिपब्लिक के जो एडिटर इन चीफ हैं या मुख्य एंकर हैं अर्णव गोस्वामी, उन्होंने कहा है कि इससे, यानी जो ये रिट फाइल हुई है उस पर उनकी प्रतिक्रिया है कि इससे हमारा लक्ष्य और मजबूत होगा सच सामने लाने का। और दूसरे सज्जन जो टाइम्स नाउ के हैं, राहुल शिवशंकर, उन्होंने कहा है कि इससे टाइम्स नाउ का संकल्प कमजोर नहीं होगा। और ये दोनों लोग इसका मतलब कि अपने रास्ते को सही मानते हैं और किसी तरह के रिव्यू की बात नहीं सोचते। मैं इस विषय पर अविनाश दास, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। और दोस्तों, अविनाश दास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और अविनाश फिल्म मेकर होने से पहले, फिल्म निर्देशक होने से पहले पत्रकार रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की है, प्रिंट विजुअल हर जगह, अच्छे गीतकार हैं। तो अविनाश, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो एक घटनाक्रम है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे नहीं याद है कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ कि एक पूरा समूह, एक कलेक्टिव, कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि समूह ने इस तरह की रिट फाइल की हो कोर्ट में, और वो भी कि कोई ये नहीं कि कोई दंडात्मक बात करने के लिए बल्कि रोकने के लिए, कोई इस पनिशमेंट की बात नहीं उसमें है बल्कि रोकने की बात है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बॉलीवुड भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और समाज में जिस किस्म की राजनीतिक जागरूकता रही है बॉलीवुड में भी रही है। यहाँ के लोगों ने वक्त वक्त पे सरकारों के पक्ष में आवाज़ बुलंद की है, सरकारों के ख़िलाफ़ बातें की हैं, लेकिन पहली बार हुआ है जब एक साथ एक फोरम पर आकर बॉलीवुड के अहम जिम्मेदार किस्म के लोगों ने, संस्थाओं ने मीडिया न्यूसेंस के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की खुशी है, संतोष है कि मैं ऐसी जगह कामकाज के सिलसिले में टहल रहा हूँ जहाँ लोग बोलना जानते हैं, आप एसोसिएट करते हो किसी भी इस तरह की घटना से। जब आप वाबस्ता होते हैं जिसमें लगता है कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है, तो आपको मज़ा आता है, आपको खुशी होती है, आपको अपने महकमे पर गर्व होता है। और साथ ही साथ मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं एक निर्देशक हूँ और निर्देशकों की जो एक राष्ट्रीय संस्था है इफ्टडा, जिसकी कुर्सी पे मोदी जी के सो कॉल्ड प्रवक्ता अशोक पंडित बैठे हुए हैं, वो इस पूरी मुहिम में इन तमाम संगठनों से अलग थलग खड़े हैं। मैंने कल ही ट्वीट किया, जिसका आपने ज़िक्र भी किया है, कि मैं लंबे समय से उस संस्था का मेंबर रहा हूँ, लेकिन कल मैं इतना दुखी हो गया उस लिस्ट में, जिन लिस्ट ने चंद मीडिया संस्थान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, कोर्ट में जाना तय किया है, उस लिस्ट में इफ्टडा का नाम नहीं, देख करके मुझे लगा कि मेरा इस संस्था से कोई वास्ता नहीं है, जिसके पास रीढ़ नहीं है। तो मैंने अपने आप को अलग थलग कर लिया। हालांकि पिछली बार जब अशोक पंडित लड़ रहे थे इफ्टडा का चुनाव और उनके अगेंस्ट में अश्विनी चौधरी, जो कि सेक्युलर प्रोग्रेसिव वॉइस हैं फिल्म इंडस्ट्री के, तो मैं उनके साथ अशोक पंडित के खिलाफ लड़ा था, लेकिन चूंकि पूरे देश में अलग किस्म की हवा थी तो हमारी आवाज़ बहुत उस वक्त लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगी। लेकिन आज इस समय में
वे लोग जरूर पछता रहे होंगे जिन्होंने अशोक पंडित को वोट किया था। तो एक तरफ मैं दुखी भी हूं और दूसरी तरफ संतोष भी है, खुशी भी है कि कम से कम लोग एक मंच पर खड़े हो गए हैं, और ये न सिर्फ बॉलीवुड की जरूरत है, इस पूरे देश की भी जरूरत है। और अविनाश, मेरा ये आपसे समझना है कि चूंकि आप एक मीडिया पर्सन रहे हैं, एक जर्नलिस्ट रहे हैं लंबे समय तक, आपको क्या लगता है कि भारत में जो हमारे न्यूज चैनल हैं, अब प्रिंट में अगर देखा जाए, जो सीरियस प्लेटफॉर्म्स हैं प्रिंट के या वेबसाइट्स हैं, जो सीरियस वेबसाइट्स हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में जो इनका यकीन है, तो वो काफी रिस्ट्रेन ही नहीं बरतते, बल्कि उनके यहाँ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन का एक सिलसिला चलता रहता है। कई लोगों ने इन हाउस ओम्बुड्समैन या रीडर्स एडिटर रखे हैं, लेकिन जो न्यूज चैनल हैं उनका बड़ा हिस्सा बिल्कुल वाकई बेलगाम दिखता है और कोई जवाबदेही नहीं। तो क्या हमारे देश में कोई कंप्लेंट कमीशन न होने से, या प्रेस काउंसिल का हाल तो हम देखते ही हैं प्रिंट के लिए जो है वो कितना कारगर है कितना नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई संस्था भी विजुअल मीडिया के लिए नहीं है, बल्कि उनको छुट्टा छोड़ दिया गया है कि वो एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपने से बनाएं और अपने से ही सब कुछ करें, ले देकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही जो करना होता है करती है। तो हमने देखा कि सुदर्शन टीवी के मामले में उसने स्टे नहीं किया था, वो तो कोर्ट से स्टे उस पर हुआ। तो हम देखते हैं कि सरकारें जैसी रहती हैं उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में एक पारदर्शी, जवाबदेह और वाकई ऑब्जेक्टिव किस्म का ओम्बुड्समैन या एक वॉचडॉग या एक कंप्लेंट कमीशन न होना भी इस तरह की स्थितियों को पैदा कर रहा है? ये जो मीडिया नॉनसेंस और न्यूसेंस का फेनोमिना है, वो अपने चरम पे 2014 के बाद, जब से मौजूदा सरकार जो है वो निजाम को संभाल रही है, तब से हम देख रहे हैं। और तकलीफ इस बात की है कि कोई ऐसा रेगुलेशन जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है। शोर शराबा जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा समाज में उनकी वाहवाही हम देख रहे हैं। जितना ज़्यादा तथ्यहीन आरोप, उतने विश्वसनीय तरीके से मीडिया की पैठ लोगों के बीच में होती हुई दिख रही है। लेकिन कई बार लगता है कि ये जो दिख रहा है वो भ्रम भी हो सकता है, या हमें दिखाया जा रहा है। हम जो एक तरह से थोड़े से वोकल, ज़्यादा तटस्थ किस्म के लोग हैं, उनको ये भ्रम जो है ये समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये जो हवा बह रही है इस देश में वो आप जैसे लोगों के खिलाफ है जो इंसानियत में विश्वास करते हैं, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, जो मजहबी एकता में विश्वास करते हैं। तो पता नहीं आगे आने वाले समय में कितनी भयावहता हम देखने जा रहे हैं। लेकिन मुझे वीरेन डंगवाल की एक कविता हमेशा याद आती है कि आएंगे उजले दिन, ज़रूर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कानून और शासन से नहीं, क्योंकि कानून और शासन के ऐसे बहुत सारे मसले हमने पिछले दिनों देखे कि इन सब चीज़ों पर एक तरह से व्यक्तिगत रूप से मेरा भरोसा जो है अब उठ सा गया है। लेकिन अंततः जन में जो है मेरा विश्वास जो है अभी भी बरकरार है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की काव्य पंक्तियां जो है वो हमारे कंधे पर बंदूक की तरह रहती है कि जब भी बहुत ही बुरा वक्त आएगा, लोगों की बगावत जो है वो संवेद तरीके से प्रस्फुटित होगी। बाबा नागार्जुन कहते हैं ना कि बंदा क्या घबराएगा जब जनता देगी साथ। तो मुझे लगता है कि जब जुल्म बढ़ जाएगा तो बगावत भी उसी तरीके से जो है उनको झेलना पड़ेगा जो जुल्म कर रहे हैं। और बिल्कुल आखिर में अविनाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तनिष्क का जो पूरा का पूरा विवाद है विज्ञापन का, उसको कैसे ट्रोल किया गया और कैसे स्थितियां बनी हैं, आप कैसे देखते हैं इस तनिष्क विवाद को?
तनिष्क के विज्ञापन वाला विवाद जो है मुझे लगता है कि बहुत दुखद है, क्योंकि क्रिएटिव पीपल जो है आमतौर पे मुझे लगता है कि हृदय से प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, और वो अपने नज़रिए से अपनी सुंदर आँखों के जरिए दुनिया में एक खूबसूरत सा चित्र जो है वो उकेरना चाहते हैं। और तनिष्क के जिस वीडियो पे सारा विवाद है वो मेरी निगाह में बहुत ही उम्दा रचना है, बहुत ही कमाल का शाहकार है। और लेकिन मुझे दुख इस बात का है सबसे ज़्यादा कि तनिष्क ने इस विवाद के बाद अपने उस विज्ञापन को वापस ले लिया है। मुझे लगता है कि जो बोलते हैं आज की तारीख में, जो बड़ी रचना करते हैं, उनको तन के खड़े होना भी सीखना चाहिए। जैसे पार्ले जी की तरफ से एक बयान ये आया कि जो टीवी चैनल्स या जो मीडिया समाज में वैमनस्यता फैला रहा है उनको हम पार्ले जी का विज्ञापन नहीं देंगे। तो पार्ले जी के इस कदम से जो है वो तनिष्क जैसे संस्थानों को भी जो है वो सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कमाल तरीके से अपनी चीज़ों को जो है वो परोसा है। मुझे याद है एक समय में मैं अंबिकापुर गया था, तो वहाँ पे मैंने एक बड़ा सा विज्ञापन तनिष्क का लगा हुआ देखा था। ये 1998-99 की बात होगी, मैं एक मीडिया फेलोशिप के सिलसिले में वहाँ घूम रहा था, और उस विज्ञापन पर जो है दो लाइन लिखी हुई थी कि जब आप चुप रहेंगे आपके गहने बोलेंगे। मुझे लगता है कि पूरा समाज जब निजाम की क्रूरताओं पे लगभग खामोश स्थिति में है, तनिष्क ने एक बोलता हुआ विज्ञापन बनाया था, लेकिन जैसे ही शरारती आवारा तत्वों ने उस पर विवाद खड़ा किया, उसने अपना विज्ञापन वापस ले लिया। ये काम तनिष्क को नहीं करना चाहिए था। और यही बात हम जानना चाहेंगे अपने एक दूसरे मेहमान अजय ब्रह्मात्मज, जो जाने माने फिल्म समीक्षक हैं और ये भी मुंबई में रहते हैं अविनाश की तरह। बिल्कुल संक्षेप में अजय, आपको क्या लगता है कि ये जो पहलू उभर कर सामने आया है, जो 38 प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेज और एसोसिएशंस जो सामने आई हैं दिल्ली हाई कोर्ट में अपने रिट के जरिए, ये क्या गुल खिलाएगा? क्या लगता है आपको? हम कोर्ट के मामले में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मामला अब सब जुडिस है, जो कोर्ट फैसला करेगा। हम इसके उस पहलू पर आपसे राय लेना चाहते हैं कि क्या इससे कोई एक समीक्षात्मक कोई एक चर्चा होगी अपने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के और चैनलों में, आपको लगता है? फिल्म इंडस्ट्री के 4 संगठनों और 34 प्रोडक्शन हाउस का एक साथ आना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, और यह बहुत ज़रूरी सा हो गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री पर बेलगाम जो अटैक हो रहा था और लगातार लोगों को दूषित किया जा रहा था, लोगों की छवि खराब की जा रही थी, फिल्मी हस्तियों की बदनामी की जा रही थी, और ओवरऑल पूरे फिल्म इंडस्ट्री को घेरने की कवायद चल रही थी, उसके खिलाफ लोग इकट्ठे हुए हैं। और यह बहुत ज़रूरी सा लग रहा था, जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री को करीब से जानते हैं और यहाँ की गतिविधियों से परिचित हैं, उनको इससे सुकून मिला है, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक राहत सी मिली है कि चलो अब तो कुछ होगा। अब ये देखना है कि क्या हो पाता है इसमें, क्योंकि आप देखें कि सुशांत सिंह राजपूत की असामयिक मौत के बाद, जो कि एक बहुत दर्दनाक घटना थी, उसके बाद से किस तरीके से चीज़ें बदलती चली गईं। सबसे पहले तो बात आई कि यह नेपोटिज्म का मामला है, या आउटसाइडर होने का मामला है, या डिप्रेशन का मामला है। फिर बात चली गई कि नहीं, ये हत्या है, और यह हत्या की बात इस तरीके से गढ़ी गई, इस नैरेटिव को इतना मजबूती प्रदान की गई कि पूरा देश यकीन करने लगा कि हाँ, सचमुच सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ही हुई होगी, और इसमें चुके महाराष्ट्र के कुछ ताकतवर लोग शामिल हो गए हैं, इसलिए उनको छिपाने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा नैरेटिव इस तरह से गढ़ते गढ़ते कुछ लोगों को निशाना बनाते बनाते उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को निशाना बना लिया, और उसके बाद से ये बात आ गई कि
फिल्म इंडस्ट्री गजेड़ी है, नशेड़ी है। और एक बात और जो लगातार कही जाती रही है कि यह एंटी इंडियन है, फिल्मों में भारतीयता खो गई है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और थोड़े दूर से सारी चीज़ों को देखें, सारी घटनाओं को देखें, तो समझ जाएंगे कि वास्तव में ये किसकी मंशा हो सकती है। मुझे तो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में कोई ना कोई इस तरीके से चाह रहा है कि इस बेकाबू इंडस्ट्री को कैसे कब्जे में लिया जाए, कैसे इसको डिमोरलाइज किया जाए। और इस डिमोरलाइज करने के लिए इनके 100 सालों के योगदान को भुलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अपने आप में सही बात नहीं है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बहुत सारी खराबियां भी हैं जो लगातार कुछ सालों से चली आ रही हैं, कभी तेज होती हैं, कभी धीमी होती हैं, और इनके अपने अंतर विरोध हैं। अभी यह अपील जारी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो संगठन शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं, क्या वे पूरी तरह से सहमत हैं या उन्होंने एक ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है फिलहाल के लिए और आगे बढ़ गए हैं ताकि फिलहाल जो अटैक हो रहा है वह रुक जाए। मुझे इसमें थोड़ा संदेह है कि ये एकजुट रह पाएंगे बाद में भी। क्यों? क्योंकि लेखकों की अपनी समस्याएं निर्माताओं से हैं, निर्देशकों की समस्याएं लेखकों से हैं, सब आपस में गुत्थम गुत्था हैं, लेकिन उनकी अपनी निजी समस्याएं भी लगातार आती रहती हैं, तभी ये संगठन बने हुए हैं। उनकी मांग होती है, उनके साथ शोषण होता है, इस शोषण के बारे में भी फिल्म इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा। जहाँ से ये बातें निकलती हैं, ये मुश्किलें पैदा होती हैं और फिर बाहर बात जाती है। अभी का जो ये पूरी मुद्रा अपनाई गई है, उसमें मुझे ये लगता है कि चूंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार एकाग्र अटैक हो रहा था और अनियंत्रित किस्म से बेबुनियाद आरोप गढ़े जा रहे थे, और ये बात चंद चेहरों को लेकर के पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश हो गई थी, उस पर जो पूरे देश ने और आम दर्शकों ने यकीन कर लिया है, उसे दूर करने की कवायद है ये। इसकी शुरुआत अभी हुई है, अब देखना यह है कि इसमें कहां तक और कैसी सफलता मिलती है। हाँ, इसमें टीवी चैनलों ने, खास करके जिन दो चैनलों का नाम लिया गया है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने एक काल्पनिक कथा गढ़ी और उस काल्पनिक कथा को लगातार नए उद्घाटन से उसको मजबूत करते रहे। पूरा प्राइम टाइम एक मल्ल युद्ध की तरह बन गया था, जहाँ से वे चुनौतियाँ दे रहे थे। तो इस पर तो निश्चित रूप से काबू होना चाहिए। इंडियन केबल टेलीविज़न नेटवर्क 94 के नियमों का, प्रावधानों का इस पर नियमन होना चाहिए, ये अपील की गई है। इसके अलावा जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल होता रहा है, अपमानजनक, मानहानि करते हुए और बहुत ही डेरोगेटरी किस्म से चीज़ें बोली जाती हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। तो देखना है कि अभी क्या हो पाता है। हाँ, इसमें प्रिंट मीडिया को क्यों छोड़ दिया गया, ये मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर देखें तो इस नैरेटिव को गढ़ने में चैनलों का बड़ा हाथ है। प्रिंट मीडिया तो बहुत बाद में आता है, क्योंकि चैनल तत्काल प्रक्षेपण करते हैं और वे लोगों तक पहुँचते हैं। और बिल्कुल अंत में अजय, तनिष्क विवाद पर आपका क्या कहना है, जो विज्ञापन विवाद है? ये बहुत दुख की बात है कि तनिष्क के उस विज्ञापन को रोक दिया गया, जिसमें एक मुस्लिम परिवार में हिंदू लड़की जाती है और कैसे लड़के की माँ बेटी को कहती है कि बहू जो आई है उनके बारे में, कि ठीक है यह विधि विधान मेरे यहाँ नहीं होता है, मेरे परिवार में नहीं होता है, लेकिन बेटी के लिए तो किया जा सकता है। यह अपने आप में कितना बड़ा कदम है। लव जिहाद के नाम पर इसको रोक देना और इस पर किसी सरकारी संस्था के द्वारा कोई आपत्ति नहीं करना, अपने आप में अफसोसनाक है। और मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आप देखिएगा, ये संकेत है आने वाले समय में
फिल्में उतारी जाएंगी पर्दे से, आने वाले समय में टीवी शोज बंद किए जाएंगे, आने वाले समय में वेब सीरीज पर आपत्तियां होंगी, लगातार बातें चल ही रही हैं। इरादा यह है कि जो बहुसंख्यक सोच है, बहुसंख्यक संस्कृति है, उसको कैसे सभी मीडियम में लाद दिया जाए। या तो आप हमारी बात मानकर चलो या चुप रहो, यही अपनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक मामला है और इसको जो भी समझदार लोग हैं देश के, वे देखें कि ये संविधान के तहत हो पा रहा है या उसके विरुद्ध जा रहा है। मुझे लगता है ऐसी गतिविधियां संविधान से मिले अधिकारों के विरुद्ध जा रही हैं, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी, मैं नतीजा आप पर छोड़ता हूँ। अंत में ये फैसला कोर्ट को करना है, हम कोर्ट के मामले में बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और वो मामला विचारार्थ है, लेकिन मीडिया के बारे में और जो मीडिया की जवाबदेही है उसके बारे में मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को और मीडिया के बाहर के लोगों को भी जरूर डिबेट और चर्चा जारी रखनी चाहिए। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।